मुर्दाबाद मुर्दाबाद वही चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिरसा CDLU यूनिवर्सिटी में DASFI के स्टूडेंट्स लगातार पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले लगातार 10 दिनों से हम धरने पर बैठे हुए हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। मांगें पूरी न होने के कारण स्टूडेंट्स में काफ़ी रोष है, जिसके चलते आज उन्होंने यूनिवर्सिटी से लेकर दक्ष प्रजापति चौक तक VC की शव यात्रा निकाल पुतला फूका और VC के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी की। देखिए तस्वीरें। वहीं जब हमने स्टूडेंट से इस विषय में बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम कुछ मांगों को लेकर गए थे, लेकिन भाई चांसलर ने जातिवादी मानसिकता के तहत ऑफिस के अंदर हमसे मिलने के लिए साफ मना कर दिया और हमें धक्के मारकर सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी शाम को हम घोषणा करते हैं कि हम चौधरी देवला यूनिवर्सिटी के गेट पे धरने पे बैठेंगे और 17 तारीख को हम धरने पे बैठे थे। आज तारीख आप लोगों के बीच में 26 हो चुकी है, लगभग हमें 10वां दिन हो चुका है, लेकिन चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का जो कुलपति है अजमेर सिंह मलिक है, वो पूरी तरह जातिवाद पे उतरा है। उसकी मानसिकता ये है कि जो बच्चे बैठे हैं सारे SC VC और दलित समाज के बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन बच्चों के बीच में जाके इनसे बात नहीं करूँगा। उसने साफ शब्दों में हमें बीच के लोगों के मार्फत मैसेज पहुँचा दिया है। तो आज पूरे सिरसा जिला का हमारा दलित समाज इकट्ठा हुआ है और यूनिवर्सिटी के भारी संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं और अजमेर सिंह मलिक का हमने पुतला फूंक कर जो हमारी डिमांड है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू यूनिवर्सिटी के अंदर लगे, जो पूर्व पाकिस्तान द्वारा इसी के एजेंडे में मिट्स पास करके एजेंडा पास किया गया था। उसकी दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम टीचर वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि SC VC का जो बैकलॉग के पता है उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। इन कुछ डिमांडों के साथ हम बैठे हुए हैं, लेकिन VC 10 कदम पे हमारे से दूर बैठा हुआ है, लेकिन इन बच्चों के बीच में आना उचित नहीं समझ रहा, इसलिए कि मैं उच्च जाति से बिलोंग करता हूँ और ये बच्चे बैठे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो लगा के बैठे हुए हैं, ये बैनर लगा के बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो सदियों से प्रताड़ित रहे हैं। इन लोगों का मान सम्मान हमारे मान सम्मान से बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इनके बीच में नहीं जाऊँगा। और बच्चों ने स्पेशल तौर पर बैठ के ये फैसला लिया है कि आगे भी हम बड़ा फैसला लेंगे, भूगोल ताल पे विचार करेंगे, अनशन पे भी जा सकते हैं। जब तक है वाइस चांसलर हमारे बीच में आके बातचीत नहीं करेगा, हमारी डिमांडें एज पर रूल है, एज पर लॉ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले हम सब लोग हैं और हमारे संविधान के अंदर जो प्रोविजन है उनको हमें दिया जाए, किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे सोमवार को हम भूख ताल पर विचार विमर्श करेंगे और पूरे जिले में पूरे प्रदेश में दलित महासभा पंचायत बुलाकर आज भी हमारे वाल्मीकि समाज के तमाम साथी आए हुए हैं, वाल्मीकि मंदिर से आए हुए हैं, भाई पंकज चौहान जी आए हुए हैं, रोकी जी आए हुए हैं, विक्की जी आए हुए हैं वाल्मीकि सब्जी मंडी से, तमाम और साथी हमारे अशोक चिनांदिया जी आए हुए हैं, दीपक सावरिया भी आए हैं, और भी काफी साथी दलित समाज के सैकड़ों साथी हैं जो आए हुए हैं, और भी संस्थाएं हमारे बीच में आ रही हैं। इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आगे भी इस न्यूज़ में लगे रहेंगे। जी सर, हमारी जो आज हमने VC पौधे का जो पुतला फूका है और साथियों ने सभी बातें रख दी हैं, लेकिन मैं एक हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट DASFI, अब जो सोमवार से हम रणनीति कर रहे हैं, भूख हड़ताल हो सकती है और नहीं तो आम अनशन पे हम जाएंगे। जब तक VC महोदय हमारे बीच में आकर हमसे बात नहीं करेगा तब तक हम यहाँ बने रहेंगे। और सभी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है दलित समाज के, बहुजन समाज के सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ हमारा सहयोग करें और तन मन और धन से यहाँ आकर अपने समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। आपने सुना, स्टूडेंट्स ने बताया कि जब तक VC हमसे बात नहीं करता तब तक धरना इसी तरह चलता रहेगा और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो सोमवार से आमरण अनशन पर भी बैठेंगे।